तो फ्रेंड्स कैसे हैं, स्वागत है आपका। मैं इस चैनल पर जिसका नाम है पॉल इंजन। फ्रेंड्स मैं इस चैनल पर इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं। अगर आपको ऐसी वीडियोज में इंटरेस्ट रहता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में ये मैग्नेटिक रीड स्विच है, ये सेंसर एक टाइप का, तो इसके बारे में बताने वाला हूँ। ज़्यादातर ये एलिवेटर्स में यूज किया जाता है। इसको इसका प्रिंसिपल मैग्नेटिज्म पे वर्क करता है, मतलब कि ये जो सेंसर है इसके सामने अगर ये मैग्नेट आएगा तभी ये वर्क करेगा फ्रेंड्स। तो ये टू वायर सेंसर है, इसमें दो ही वायर होते हैं फ्रेंड्स। तो इसका वायरिंग कैसे करना है, इसका कितना वोल्ट इस पर सप्लाई देना है, ये सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा फ्रेंड्स। सबसे पहले समझते हैं कि ये टू वायर सेंसर है तो या NO या NC कोई एक ही फंक्शन में यूज कर सकते हैं आप। तो ये जो हमारा अभी सेंसर ये NC है, अगर NO चाहिए तो NO भी मिलता है आपको इस टाइप का सेंसर। तो इसमें कैसे वर्क करता है फ्रेंड्स, इसमें हम जो सप्लाई एक वायर में देंगे वही सप्लाई निकलेगा जब भी ये हमारे मैग्नेट के सामने आएगा ये सेंसर। तो मतलब इसको हम 220 वोल्ट, 110 वोल्ट, 24 वोल्ट या DC 24 वोल्ट, ये कोई भी वोल्टेज पे हम इसको चला सकते हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान वर्किंग है इसकी। आपको इसको मैं अभी मल्टीमीटर से टेस्ट करके दिखाता हूँ ये कैसे वर्क करता है, फिर मैं आपको इसका एप्लीकेशन अपने लिफ्ट के पैनल में दिखाऊंगा कि इसको कैसे हम यूज में ले सकते हैं। सबसे पहले मैं मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे सेट कर देता हूँ। अभी देखिए ये दोनों वायर पे कनेक्ट किया तो NC है, मैंने बताया जैसा कि NC है ये, और जब भी ये इसके सामने आ जाएगा तो ये NO हो जाएगा, NO हो गया, NC अभी जैसे मैग्नेट के सामने आया तो NO हो गया। तो एक तरीके से ये वर्क करता है। तो सिंपल, एकदम सिंपल तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। इसको वोल्टेज 220 वोल्ट मैक्सिमम दे सकते हैं इस पे। तो इसको मैं अब अपने लिफ्ट के पैनल में यूज करके दिखाऊंगा कि कैसे इसको मैं लिफ्ट के पैनल में यूज करता हूँ। एलिवेटर्स में ही सबसे ज़्यादा ऐसे रीड स्विच यूज किए जाते हैं। अभी देखिए चारों सेंसर लगा दिया है, चार फ्लोर का ये हमारा लिफ्ट का पैनल है रिले कंट्रोल वाला। मैंने चारों फ्लोर के चार पुश बटन लगा दिए, अभी सैंपल के लिए बनाया था। तो मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं एक ग्राउंड पर रख देता हूँ। तो ग्राउंड पर जैसे रखा है तो ग्राउंड का लाइट आ गया, मतलब ग्राउंड पर लिफ्ट है हमारी। अब ग्राउंड बटन दबाएंगे कुछ काम नहीं करेगा, फर्स्ट दबाएंगे ऊपर जाएगा, ऊपर जा रहा है। तो फर्स्ट से निकला, सॉरी ग्राउंड से निकला, फर्स्ट पे जैसे किया बंद हो गया, फर्स्ट का लाइट आ गया। अब सेकंड दबाते हैं, फिर से ऊपर जा रहा है, यहाँ से निकला, सेकंड पे गया। अब सेकंड दबाएंगे कुछ नहीं होगा, थर्ड दबाएंगे ऊपर जाएगा, थर्ड दबाया यहाँ निकला, ऊपर गया बंद हो गया। थर्ड का मैंने अभी कुछ बटन ये लाइट का इंडिकेशन लाइट का वायरिंग नहीं किया हुआ है, यहाँ आ गया। फिर सीधे सेकंड दबाएंगे तो नीचे आएगा, नीचे आ रहा है, फिर और नीचे लेते हैं, और नीचे आ गया, और नीचे लेते हैं, और नीचे आ गया, सीधा टॉप पे ले जाएंगे, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, सीधा ग्राउंड पे लेते हैं, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, बंद हो गया। परफेक्टली वर्क कर रहा है सेंसर के हिसाब से। सेंसर की ये ज़्यादातर NO के एप्लीकेशन में यूज होता है, मेरा पैनल में NC में यूज होता है, इसलिए मैंने NC बनाया। अगर मैं कार्ड वाला पैनल बनाऊंगा तो उसमें NO में यूज होगा, मैं दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स ये कार्ड वाला हमारा कंट्रोलर है, एलिवेटर कंट्रोलर कार्ड है, ये थीटा का कार्ड है। तो ये जो कार्ड है फ्रेंड्स, इसमें अगर बनाना है तो हमें सारा जो ये सेंसर रीड स्विच है ये NO वाला यूज करना है, ये NC वाला नहीं यूज करो होगा फ्रेंड। तो अगर ऐसे कंट्रोल पैनल की रिक्वायरमेंट है आपको एक कार्ड वाले, तो वो भी पैनल मैं बनाता हूँ, और इस टाइप के पैनल की रिक्वायरमेंट है तो वो भी मैं बनाता हूँ। तो चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में।